नमस्कार, सोहर राग परंपरा खंडेक का तीसरा गीत आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, सुनिए। अबाधक बहुहार सीता लाता कर दूनौ जोरे तकर दूनौ जोराई हो। अबाधा के बहुहारा शीतलता कर दूनौ जोरेता कर दूनौ जोराई हो। माही चितवा नमोरा मलिन मुख चितवा राम काई हो। माही चितवाना ना मलिन मुख चितवा राम काई हो। एक राम अबाधा नरेसा दूसरा मोरा पिया हा मैं दूसर मोरा पिया हा मैं हो। बाबा एक राम लंका विधन से तएका तजय मोही हो। साखी एक राम लंका विधन से तएका तजय मोही हो। उह चारियु राम आजू एका भी आनाई मोही आए आनाई मोही आए न हो। आबा एक मन एक देही शीतल तया बाधा कैसे जईही। अबाधा कैसे जई की पंक्तियां हैं, अवध के बहुहर शीतल तकर दूनो जोरे हो, मही चितवा न मोर मलिन मुख चितवा राम कहे। कहते हैं कि लोग कहता है कि गुरु वशिष्ठ सीता को बुलाने आए हैं लिभाने के लिए, क्योंकि अब जमीन का बंटवारा होना है उनके बेटों में सब में, तो राम को भी लगता है कि मेरे बच्चे हों तो उनको भी बुलाने आए हैं। तो सीता कहती हैं कि मेरा मन जो है वो मलिन नहीं है, मैं तो इंतज़ार कर रही थी राम का, लेकिन राम का मलिन मुख क्यों है, वो मुझे लिवाने के लिए जब वशिष्ठ आए तो क्यों नहीं आया आपके साथ। वो कहती हैं कि एक राम जिसे मैं जानती हूँ वो अयोध्या के राजा हैं, नरेश हैं। एक राम मेरे प्रिय हैं, मेरे पति हैं। तीसरे राम वो हैं जो लंका का विध्वंस करते हैं, और चौथे राम वो हैं जिन्होंने मेरा परित्याग किया है। मैं देख रही हूँ कि ये चारों राम एक हो गए हैं और मुझे बुलाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा मन जाने का नहीं हो रहा, क्योंकि मैं देह मन से अभी भी वही एक सीता हूँ जो राम को पहली बार वाटिका में मिली थी। लेकिन राम चार हो गए हैं, राम लगातार बदलते रहे हैं, और मैं वही भी उनके लिए तब की वही सीता थी और अब भी वही सीता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ अयोध्या, मुझे मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। आगे क्या है, मही छाती फटयाती पीरा नयन अंधरानी नयन अंधरानी न हो। आबा रख तू आपना कोरबा अवध नहीं जावे अवध नहीं जावे हो। इतना वचन सुनी महीरानी किया बा बजुरा गिरे किया बा
बाबा जुरागीर हो आबा टुक टुक भैया लर छतिया शीतल छुप काम शीतल छुप काम हो। सीता धरती से कहती है, निवेदन करती है कि मेरा मन नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। अगर मैंने सच में ये तप किया है, मैं सत्यवती रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये धरती मेरी जो माँ है ये मुझे अपनी गोद में रख लें। मैं अयोध्या लौट के वापस नहीं जाना चाहती किसी भी कीमत पर। धरती अब सीता की ये बात सुनती है और कहते हैं कि सीता का दुख का आवेग इतना था कि धरती जो है वो धरती की छाती जो सीना जो है टूक टूक यानी फटने लगता है, छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है और सीता उस धरती में समा जाती है। आगे है कि सुना सुना आबाधा नरेशा जारी भूंजी कार है हवा बाधा निकार है न हो। सुना रामा महीना ही सराना न सराना अवध राजी सराना अवध राजी हो रामा सीता का हसी के तिया तजह मैं तो ही हो आबा सीता का जैसे त्याग है ओइसे प्या जब हम तो ही हो। सुना धाना धारणी माया तजब आबा देहिया तजब धाना मुड़ाबा के पाप नाही तजब आगम जाला बुढ़ाई हो। धाना मुड़ाबा के पाप नाही तजब आगम जाला बुढ़ाई हो। धरती कहती है राम से कि सुनो अवध के नरेश, तुमने सीता का त्याग किया और इस कदर सीता का त्याग किया, इतना अपमानित किया कि मैं तुम्हें अब धरती में अपने अपनी जगह पे, मैं जो धरती है मैं अपने सीने में अपने देह पर तुम्हें अब स्थान नहीं दे सकती। तुमने इस तरह से मेरा मन चित फोड़ दिया है, मन तोड़ दिया है। और कहती हैं कि मैं तुम्हें शरण जो है नहीं दूंगी। तब राम कहते हैं कि धरती माँ धना, वहाँ शब्द आया है धरती के लिए, राम कहते हैं सुना धना धरानी मैं तजबै तजब अब देहिया हो धना मुड़बा के पाप नहीं तजबै अगम जल बुड़बै हो। कहते हैं कि मैं राम कहते हैं कि मैं भी सीता के बाद देह त्याग कर दूंगा और इस धरती की बजाय मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारा तुम आप जो कह रही हैं मैं उससे उस वचन को पूरा करूँ। मैं अगम समुद्र जो जल है जलराशि है उसमें डूब कर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर जो पाप है जो भी लांछन मेरे ऊपर लगे हैं, राम का भी देखिए राम का जो धरती के लिए धरती से जो कहना है कि मेरे ऊपर जो लांछन लगे हैं कि मैंने सीता को वनवास दिया उस लांछन को मैं धोऊंगा नहीं, उस लांछन के कारण मैं आत्महत्या या कुछ भी नहीं करूँगा या जल समाधि नहीं लूँगा, वो पाप मैं अपने सर हमेशा हमेशा के लिए रखूंगा। इस बात के लिए जो सीता ने जो लांछन मेरे ऊपर लगाया है या जो समाज ने मेरे ऊपर लांछन लगाया है वो लांछन सिरोधार्य है, मैं उसे लेकर मरूंगा और मैं चाहूंगा कि ये जो चीज़ है ये जो पाप है लांछन है मेरे साथ हमेशा बना रहे, मैं इससे मुंह नहीं चुराऊंगा या मैं इससे आँख नहीं चुराऊंगा, मैं इससे दूर नहीं भागूंगा। ऐसा कहकर राम वहां से
चले जाते हैं।